तो बिल्कुल रियल पेपर आ चुके हैं कक्षा 11 हिंदी का, क्योंकि अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विथ सॉल्यूशन इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हम करवाएंगे। ओके, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है और पेपर आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इन दोनों को लेके अपन को अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, और जिनने बहुत कुछ पढ़ लिया उनके लिए एक क्विक रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो ये टॉपर और एवरेज और पुअर बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब जी कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। अब मैं यहाँ पे अपना आंसर नहीं बताऊँगा, क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं आंसर आपको अपने इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, नवक के बोरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थी। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रपट संगीत का प्राय कहा जाता था, किसको कहा जाता था, वो बात बताना है। गागर में सागर भरना, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ऐसा जरूरी ज़रूर आएगा, ठीक है। मीरा ने किस आंसुओं के या किसके या कुएं के जल से खींचकर प्रेम वेल को बोया है। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपसे अंदर से पूछी जाएंगी, और ये चार चार नंबर के होने वाले हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन, क्योंकि 40% आपके आने हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए अब आ जाते हैं छठवें क्वेश्चन, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, ये आपको बताना है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, और अथवा में भी काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से जो आप पे अच्छे से बनता है वो लिखिए। ओके, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार करके चले गए ना, तो आपका आराम से 90-95% सिलेबस कम्प्लीट ही हो जाएगा, रियली, है ना। और इसमें जो भी दिया गया है उससे रिलेटेड आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ये हमारे 17-18 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, इजी हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 गई, सबसे पहले एक काम करना है आपको, दोनों बुक ले लेना है, ठीक है, जो आपकी जो हिंदी की दोनों बुकें हैं, विताग और वितान, ठीक है। तो उनमें आपको क्या करना है, किसी की कृतिका क्षितिज होती है, लेकिन वो CBSE में चलती है शायद तक, या 11th से वो भी हट जाती है, वितान वगैरह आ जाती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि उनके चैप्टर उठा लेना है, उनके इंडेक्स पे जाना है, और कविता का नाम पढ़ लेना है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा पूरे क्वेश्चन पेपर हो गए हैं, ठीक है, ये 22 क्वेश्चन आने हैं आपके, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, एक भी पॉइंट की मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके, तभी आपका अच्छा स्कोर होने वाला है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि अभी पेपर आने दो, फिर पता चलेगा कि अपन लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो।